गए सर, हम तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब वेद में लिखा है कि बच्चे भगवान की देन है, उसमें भी लड़के, ये ऋग्वेद में लिखा है कि बच्चे भगवान की देन है, उसमें भी लड़के, और खूब सारे बच्चे पैदा करना चाहिए। अब इस लाइन का जो जागृत दिमाग है वो अलग मतलब निकालेगा, जो मुर्दा दिमाग है वो अलग मतलब निकालेगा। अब ऋग्वैदिक पीरियड जो है वो ट्राइबल पीरियड है, ट्राइबल इकोनॉमी है, सबसिस्टेंस। जहां भी ट्राइबल इकोनॉमी होगी, लड़ाई उसका अहम हिस्सा होगा, वॉर होगा ही होगा। जो ताकतवर होगा वो सरप्लस पे कंट्रोल रखेगा, होना ही है। अब जब वॉर रेगुलर फिनोमेना है तो लड़ेगा कौन? पुरुष। तो सबसे ज्यादा किसके पैदा होने की आकांक्षा होगी? मेल की। अब आज के जमाने में अगर इस बात को लागू किया जाए बिना समझे कि नहीं नहीं ऋग्वेद में लिखा भगवान कहे, अरे तो अब कौन सी डेली लड़ाई हो रही है यार? इस्लाम का प्रसार होना शुरू हुआ, भारत की तरफ भी हुआ, महमूद गजनी जैसे लोग इधर आने शुरू हुए, और पश्चिम की तरफ भी हुआ, वेस्ट यूरोप की तरफ। इस्लाम का जो प्रसार यूरोप की तरफ हुआ उससे एक नई घटना का जन्म हुआ, क्रूसेड, धर्म युद्ध। किसे किसके बीच में? इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, क्रॉस एंड क्रिसेंट, क्रॉस मतलब क्रिश्चियंस, क्रिसेंट मतलब मुस्लिम्स, इनके बीच शुरू हुआ। कोई धर्म युद्ध नहीं था। लेकिन सिपाही, सैनिक, अब सैनिक की सोच और राजा की सोच, अब राजा अगर इन सिपाहियों से कहता कि हमें सिल्क रूट पे कब्जा करना है, सिपाही कहते यार सड़क के लिए जान दे दे यार, हम सड़क के लिए मर जाए, सिल्क रूट के लिए मर जाए। राजा जो लड़ रहे थे वो सिल्क रूट के लिए लड़ रहे थे, जिससे कि उनका पश्चिम और पूरब के व्यापार पर कब्जा बना रहे। लेकिन सिपाही इसके लिए थोड़ी लड़ता है, सिपाही तो धर्म के लिए लड़ता है। भारत मां पाकिस्तान, ये इसीलिए सब कॉन्सेप्ट पता है बनाए जाते हैं, धर्म युद्ध। सिपाही से कहा गया नहीं धर्म के लिए लड़ रहा, मर गए तो? बोले मर गए तो जन्नत, जन्नत में क्या है? जन्नत में क्या नहीं है? किसी लेडी ने शायद पूछा था डॉक्टर जाकिर नाइक से कि आदमियों के लिए तो बड़ी सुविधा है धर्म जन्नत में, हमारे लिए क्यों नहीं है, औरतों के लिए क्या है? तो बड़ा घुमावों सा जवाब दिया था उन्होंने कि औरतों के लिए मालिक ने बहुत अच्छी चीज रखी है। अरे तो बताओ क्या चीज? आदमी का डिस्क्लोज कर दिया, औरत का नहीं करोगे? लेकिन वो पॉसिबल नहीं था उनके लिए डिस्क्लोज करना, क्योंकि लड़ाई मर्द कर देते, पुरुष बहलाना पुरुषों का था, स्त्रियों को थोड़ी। वो वीडियो है मेरी उनके पास जिसमें उन्होंने कहा कि, शायद फेसबुक पे ही मैंने उनका एक वीडियो देखा था, किसी लेडी ने उनसे पूछा कि आदमियों के लिए बारे में तो सब डिफाइन किया गया है कि ये है ये है ये है, वो इसलिए डिफाइन किया गया है क्योंकि सेना में पुरुष होते थे, तो लालच देना किसको था? पुरुष को। तो ईसाइयों का भी हेवन है, वहां भी शराब है, वहां भी औरतें हैं। हिंदुओं का भी हेवन है, वहां तो कल्प वृक्ष है। हिंदू का तो वर्जन बड़ा जबरदस्त वर्जन है, कल्प वृक्ष, जो मांगो। ये सिर्फ इन सिपाहियों को बहलाने के लिए था। अब धरती पे सिपाही है, थोड़ा मोड़ा तनख्वाह पा रहे हैं, बीबी मार रही है, 10-12 बच्चे हैं, जिंदगी नरक है, और बताया जा रहा है कि वहां साहब शराब बह रही है और औरतें हैं। तो सिपाही खड़ा होता है कि ले मार दे भैया, हम वहीं चले हैं, 72 वो है और फिर बाकी जो सुविधाएं मिलेगी उस हवाला मार डाल। धरम वरम की लड़ाई नहीं होती थी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, शायद मैंने पहले भी सुनाई होगी। सिकंदर जब भारत आया, अलेक्जेंडर, तो चूंकि वो 10 साल से निकला था, उसकी सेना ने कहा पोरस की लड़ाई के बाद, अब नहीं लड़ेंगे, वापस जा रहे हैं, अब 10 साल से तुम्हारे साथ घूम रहे हैं।
पता ही नहीं बीवी बच्चे की साल में, वो गुड्डू की अम्मा पता नहीं कहाँ होंगी। अरे सिकंदर ने कहा कि एक युद्ध और लड़ ले, नॉर्थ इंडिया हमारा। बोले भैया लड़ना ही नहीं, बहुत समझाया उसने, माने नहीं, उसी चिंता में मर गया वो बुखार से। यही घटना बाबर के साथ घटी 1527 में। 26 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, 27 में अब उसके सामने दूसरी चुनौती राणा सांगा, उसके सिपाहियों ने काम जा रहे। अरे उसने कहा यार एक युद्ध और, दिल्ली आगरा हमारा, जन्नत हमारी। बोले तुम जाओ जन्नत में, हम तो अफगानिस्तान जाएंगे। तो बाबर का गुरु था उबैदुल्लाह हरार, सूफी था। बाबर गया, उसको बताया, कहा कि साहब ये तो पागल लोग, ये तो कह रहे हम लड़ेंगे ही नहीं, आप बताइए क्या करें। हरार ने कहा देखो यार तुमको मैं हिंट कर देता हूँ। उसने कहा हिंट उंट मत करो, मैं वैसे परेशान हूँ, हिंट क्या करने की, सीधे सीधे बताओ क्या कर रहे हैं। बोले ना ना हिंट, और हिंट ये है कि तुम राजा हो और ये तुम्हारे सैनिक मुसलमान है। यार मैं भी राजा हूं। बोले ना राजाओं की कहां जात होती है, राजाओं की कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं होता, कोई क्षेत्र नहीं होता। इसलिए तो जब मुल्कों का बंटवारा होता है तो लोग बड़े दुखी होते हैं, राजा नहीं होते। तभी तो यूपी को चार भाग में बांटने के चक्कर में है कि चार सीएम हो जाएंगे। राजा बनने से मतलब है, यूपी चार हिस्से में रहे चाहे दस हिस्से में रहे, उनसे क्या लेना देना। कहा अच्छा हिंट बताइए, कहा बता दिया यार तुम राजा हो, तुम्हारे सैनिक मुसलमान। आया वो रात भर सोचता रहा कि यार इसका मतलब क्या हुआ। सुबह उसने अपने शराब के बर्तनों को देखा, शराब की बोतलों को उठाया, डंडा तोड़ना शुरू किया। सिपाहियों ने पूछा कि क्या हुआ सरकार। अरे बोले आज से मैं सच्चा मुसलमान। किसी ने नहीं पूछा कल तक क्या थे, इसी को कहते हैं मरा हुआ दिमाग। उसने कहा आज से मैं सच्चा मुसलमान, और राणा सांगा के खिलाफ जो युद्ध है वो जिहाद है। अरे जहां उसने कहा जिहाद, वहां तो सलीम भाई, कलीम भाई, हलीम भाई, सलमान भाई, अरे सब पड़े तो लड़ेंगे। फिर उसने गाजी की उपाधि ली। काहे का गाजी, जब राणा की तरफ से चार चार मुसलमान सरदार लड़ रहे हैं, वो पूरी राजनीतिक लड़ाई है। दामोद लोधी राणा सांगा की तरफ से लड़ रहा है, हसन खां मेवाती राणा सांगा की तरफ से लड़ रहा है, पॉलिटिकल वॉर है। कहेगा गाजी, लेकिन हाँ ये बात सिपाहियों से थोड़ी कह सकते हैं। बड़े खुश हुए सिपाही, बड़े खुश हुए आर्मी। तो ये क्रुसेड जो है धर्म वर्म की लड़ाई नहीं है, धर्म को यूज किया गया आम आदमी को भड़काने के लिए। लड़ाई किसकी थी, डोमिनेंसी ऑफ सिल्क रूट। हमारे कानपुर में है इकरा आईएएस बाय ओझा सर, जो आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए लाए हैं बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली। तो अब मतलब वो सारे के सारे लोग जो कि आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए दिल्ली जाने की सोच रहे हैं ना, तो अब उन्हें दिल्ली जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ओझा सर की देखरेख में इकरा आईएएस लाए हैं न्यू ऑफलाइन बैचेस फॉर यूपीएससी आईएएस PCS के बाद join NCERT Basics and GS Pre का Mains Foundation Batch सिर्फ और सिर्फ इकरा IAS, वो भी 9 नंबर क्रॉसिंग हमारे शारदा नगर कानपुर में है।